इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DFT 1 का कैसे निकालते हैं सभी वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो DFT 1 का मतलब क्या है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, यानी हर एक डिस्क्रीट वैल्यू पे एक्स एन की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 1। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो किस टाइप का दिखेगा एक्स ऑफ एन हमारा? यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स ऑफ एन हमारा किस टाइप का दिखने वाला? तो इसकी जब वैल्यू रहने वाली है, क्या रहने वाली है? 1 रहने वाली है हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो 0 पे भी 1 रहेगी इस टाइप से, 1 पे भी 1 रहेगी इसी तरह से। क्या होगा, ये मूव हो तो चले जाएगा। ठीक है, ऐसे लेफ्ट साइड में भी होगी, तो ये सिग्नल को देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स ऑफ एन की जो वैल्यू है क्या है, वो हर एक के लिए 1 है। ठीक है, ऐसे ये लेफ्ट साइड में होगा, इसका कितना एम्पलीट्यूड है? 1। ये एन हो गया, ये हो गया एक्स ऑफ एन। तो हमसे इसका DFT पूछा गया, तो इसका DFT कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, ये किस टाइप का सिग्नल है, पहले उसे आइडेंटिफाई करो। मैंने तो फॉर्मूले बताए थे, एक पीरियोडिक के लिए, एक नॉन पीरियोडिक के लिए। तो ये तो पीरियोडिक है, अगर पीरियोडिक है इसका पीरियड कितना हो गया जल्दी बताओ? ये रिपीट कर रहा हर एक अपने आप को, कितने के बाद? 1 सैंपल के बाद। तो इसका पीरियड कितना हो गया? 1। और जब पीरियोडिक होता था एक्सएन हमारा कैसा है? पीरियोडिक, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता था डीटीएफटी निकालने का। उसका फॉर्मूला क्या होता था डीटीएफटी निकालने का, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। वो होता था एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा इज इक्वल्स टू समीशन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 पाई ए के डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, जहां पे ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होती थी? 2 पाई के बाय एन। ठीक है, ये होती थी ओमेगा नॉट की वैल्यू। और यहाँ पे भी हमें हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो हम क्या करें, ए की वैल्यू चाहिए हमें। ए के की वैल्यू जो होती थी, क्या फॉर्मूला था होता था? 1/n। ये सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने इसलिए बनाया था। ठीक है, तो एन 0 से लेकर कहां तक? एक सैंपल कम तक। ठीक है, एक्स ऑफ एन ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट एन, ये फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, अब जो 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 वैल्यूज हमें गिवन है यहाँ पे लगा देंगे। तो एन की वैल्यू कितनी है कैपिटल एन की? 1। तो इसमें पहले एक एक की वैल्यू चाहिए हमें इसे कंप्लीट करने के लिए, तो निकालते हैं एक एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एक एक की एन की वैल्यू कितनी? 1। तो समीशन में भी वैल्यू कहां तक जाएगी? 1 - 1। एक्स ऑफ एन ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट। ठीक है, तो यहां से क्या बचा मेरा, यहां से ये तो 1 हो गया बाहर का, और एन 0 से लेकर 0, इसका मतलब क्या है? केवल n की एक वैल्यू के लिए ही ये समीशन है। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम हो गई ना। अगर मान लो 0 से 1 होता, तो इसकी वैल्यू कितनी होती? एक n इक्वल्स टू 0 पे प्लस n इक्वल्स टू 1 पे। x ऑफ n e की पावर माइनस j j k ओमेगा नॉट n। अब इसको समीशन को ओपन कर दो, समीशन को ओपन करना आता है सबको। ठीक है, तो क्या करेंगे, जितनी उसकी वैल्यूज पे पूछा होता है उन्हें लगा देते हैं। फिलहाल यहाँ पे 1 ही है, तो एन की जगह 0 रख दो। ठीक है, अगर 1 होता तो 1 के लिए, सॉरी 1 के लिए भी ओपन करते, माइनस जे के ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई बाय 0। तो ई की पावर 0 होता है 1। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया? एक्स ऑफ 0 ई की पावर 0। एक्स ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? फंक्शन की जो ये एक्स ऑफ एन है 0 पे वैल्यू उसकी कितनी है? 1। तो यहाँ पे लगा देंगे हमारा ये ए के कितना आ गया, एक है क्या हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर कोफिशिएंट। ठीक है, डिस्क्रीट फोरियर कोफिशिएंट। तो एक्स ऑफ 0 है 1, तो मेरा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, आया बात समझ यहां तक? तो मेरा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा कितना बन जाएगा, उसको लिखते हैं यहां पे। एक्स ऑफ ई की पावर
छे ओमेगा कितना आ गया, वन का ट्रांसफॉर्म हम निकालने, फोरियर ट्रांसफॉर्म, के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टू पाई मल्टीप्लाई बाय वन, एक एक की वैल्यू बनाई, डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, ठीक है, ओमेगा नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, इसमें लगानी है, तो टू पाई के एन की वैल्यू वन कितनी है, वन, तो ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू पाई के, तो इसे फॉर्मूले में यहाँ पर लगा सकते हैं हम। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हम कई सारे जो ऐसे ट्रांसफॉर्म है जिनको करना मुश्किल होता है, इसकी हेल्प से हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर लगा देते हैं, टू पाई के, तो ये कितना आ गया, के कस टू माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी है, टू पाई डेल्टा ओमेगा माइनस टू पाई के। तो ये क्या है, वन का फोरियर ट्रांस डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन कितना होता है, टू पाई डेल्टा ओमेगा माइनस टू पाई के, ठीक है, आ गया होगा इसे सब कुछ समझ। तो अगर आई गया तो इसका यहाँ पे इसका फॉर्मूला, अगला जो फॉर्मूला आया हमारा क्या आया, यहाँ पर लिख देते हैं, वन का डी टी एफ टी कितना होता है, नेक्स्ट फॉर्मूला आ चुका है हमारा, ठीक है, समीशन के कस टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टू पाई डेल्टा डेल्टा ओमेगा माइनस टू पाई के। देखो इसका भी ये क्या होना चाहिए, जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है ये भी क्या होना चाहिए, इसका पीरियड कितना होना चाहिए, टू पाई, मैंने बताया था ये जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसका पीरियड कितना होता है, टू पाई, ठीक है, इसको ड्रॉल करके देख सकते हो, इसका एम्पलीट्यूड टू पाई रहेगा हर एक इम्पल्स पे, पहले जीरो रखोगे तो जीरो पे आ जाएगा पहले टू पाई, इसका एरिया जैसे एम्पलीट्यूड आ जाएगा, फिर ऐसे ही वन पर टू पाई पर बात पहुंच जाएगी, ठीक है, इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं, लेकिन इतना ही इसमें काफी है, ठीक है, फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा इस वीडियो में हमें किसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, वन का, वन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला हमारे लिए। देखो कुछ क्वेश्चनों में इसको अप्लाई करूंगा डायरेक्ट, तो ये फॉर्मूला याद रखना, वन का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो कितना था, टू पाई डेल्टा ओमेगा माइनस टू पाई के, और ये वन का कब है, इसका पीरियड कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कहीं पर पीरियड टू रख दिया तब भी ये आंसर सेम होगा, तो तब तो आंसर सेम हो जाएगा ना, ठीक है, किसके लिए, जब एन इक्वल्स टू वन के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिख लो वैलिड कब है, एन इक्वल्स टू वन के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।